ए बराबर दिया है -0.4, बी बराबर -0.1 और सी बराबर 0.5, और हमें ज्ञात करना है ए क्यू प्लस बी क्यू। तो हमें हमें मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ABC, ठीक है, 3ABC होता है। तो अब हम बराबर 3A, ए कितना है, ए हमारा है -0.4 गुणा -0.1 गुणा 0.5। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को भी हटाना है तो यहां 10 आ जाएंगे गुणा यहां 10 आ जाएंगे, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां 10 आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 20 या 60, देखो 5 + 20 = 60, तो कितना हो गए ये 60/1000। तो इस जीरो से इस जीरो काट देंगे और 100 से जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.06, ठीक है। 100 से हम भाग देंगे भाई, इससे इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.06। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वही हम जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ABC, ठीक है, 3ABC होता है। अब हम मान रखेंगे भाई ए बराबर हमारा दिया है -2, बी बराबर -3 और सी बराबर 5। तो आंसर देखिए देखिए कितना होगा, 5 या 15 दूनी 30 या 90, तो हमारा ये आंसर 90 आ गया। और माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहां पर ए बराबर अंडर रूट 3 दिया है, तो हमें 1^4 प्लस 2 और प्लस 1/1^4 का मान ज्ञात करना है। तो हम देखिए हमें सबसे पहले जो अलजेब्रिक हमने क्वेश्चन पढ़ाए थे सूत्र, उसको याद करना जरूरी है, ठीक है, तो उसी के आधार पर होगा। सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा है, ए प्लस 1^4 प्लस 1/2^4, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इस टाइप से लिख सकते हैं प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख दें ए स्क्वायर और बटे 1^2 प्लस 1/1^2 और 4 स्क्वायर, ठीक है। अब ये फार्मूला हमारा क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ए स्क्वायर प्लस 1/16 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमें मान दिया है, हमें मान क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन देखिए इस टाइप से होगा, 1^4 प्लस 2 भाई इसके बराबर क्या आ गया, प्लस 1/a स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर का मान अंडर रूट 3 दिया है, तो अंडर रूट 3 ब्रेकिंग प्लस 1/√3 स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/3। अब 3 × 9 10, देखिए 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 × 9 प्लस 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 10/3 बराबर 10/3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 100/3, तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम सही बटे में लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा 9, सही बटे में लिखेंगे 11 सही 1/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे, ये समझाने के लिए वैसे तो मैं शॉर्ट में कर देता, अब आप दोबारा देखेंगे भाई, ए 1/4 प्लस 2 प्लस 1/1^4, तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर हम लिखेंगे ये लिख देंगे, इसके बराबर हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक, इसका हम लिखेंगे होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या दिया है, अब देखिए ये रूट क्या दिया है, 5 दे दिया, √5 प्लस √5 मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा,
और एक बटा रूट पांच इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे पांच, ये बन जाएंगे पांच, और इसका होला भी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा पांच प्लस एक बटा पांच का होला स्क्वायर, होला स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। पचास पच्चीस एक छब्बीस, छब्बीस बटे पांच, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 676 बटे 25, इसको सही बटे में लिखेंगे, इसको सही बटे में लिखेंगे तो ये हमारा आएगा एक सही, तेईस सही, एक बटा 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब।